रिसिप्ट भी दे सकते हो, मेरे पैसे आए हुए हैं, तो ये काफी अच्छी बात है यार। गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो इतनी लंबी तो नहीं होगी, लेकिन काफी इन्फॉर्मेटिव होगी। देखो, आपको हर कोई चीज बताता होगा यूके के रिलेटेड, और अगर आप यूके में इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैं सभी यूके के जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो मेरी जरूर देखें। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको आपकी यूनिवर्सिटी से कैसे स्कॉलरशिप, तो आपको मिलती है वो तो अलग बात है, कैसे आप कॉस्ट ऑफ लिविंग फंड भी ले सकते हो। जी बिल्कुल सही सुन रहे हो आप यूनिवर्सिटी से पैसे ले सकते हो। आपको करना क्या है, बेसिकली देखो, काफ़ी सारे ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो अपनी यूनिवर्सिटी की मेल होती है ना, मेल आईडी, वो चेक ही नहीं करते, और उनको सबसे बड़ा लॉस उन्हीं को होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जब आप यूके में आते हो ना, तो स्टूडेंट हो तो आपको 3 या 4 मंथ के बाद ना एक मेल आती है कॉस्ट ऑफ लिविंग फंड के नाम से। वो यूनिवर्सिटी क्या करती है, वेरीफाई करती है कि आपको कितने कितना क्या खर्चा आ रहा है, वो अपनी डिटेल बताओ। तो आपको सिंपल क्या करना होता है, अपनी डिटेल फिल करनी होती है, और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप डेली चेक करते हो अपनी ईमेल। यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ भी आती हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के रिलेटेड बड़ी सारी मेल्स आती है, आपको पता ही, आप स्टूडेंट हो तो ये हमेशा चेक किया करो। और आपको ये मेल पता कब आएगी, ये भी मैं बता देता हूँ, जब आप 3 से 4 4 से 6 मंथ हो जाएंगे ना आपको यूनिवर्सिटी में, तब आपको मेल आएगी कॉस्ट ऑफ लिविंग फंड्स की। तो उसके बाद जो आपको फॉर्म फिल करना है, अपनी डिटेल फिल करनी है, फिर वो वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के बाद वो एक एस्टिमेट लगाते हैं कि हाँ इनका इतना बनता होगा, तो फिर आपको वो एक मेल फिर से ड्रॉप करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग फंड के नाम से। तो फिर आपको क्या करना है कि उसमें अपनी बैंक डिटेल बतानी है, और आपको उसी में बता देंगे कि इतना एस्टिमेट बन रहा है आपका, तो इतने पैसे हम आपको पे कर सकते हैं। तो आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे को भी कॉस्ट ऑफ लिविंग फंड की आई थी, तो मैंने तुक्के से भर दी, मुझे इतना कुछ पता नहीं था। तो लेकिन जब मैंने भर दी तो मुझे एस्टिमेट मेल भी आई, वो आपको अभी मैं स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ। 150 समथिंग मेरे पाउंड हैं इसमें आप बने हुए हैं, तो ये मुझे आई। तो मैंने उन्होंने इसमें लिखा हुआ था कि अपना बैंक डिटेल फिल करो, वो मैंने फिल करी। तो अभी 12 तारीख को मेरे पैसे भी आए थे, वो मैंने आज ही चेक किया। तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बनाता हूँ और आपको बता देता हूँ। ये आप रिसिप्ट भी दे सकते हो, मेरे पैसे आए हुए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है यार। स्कॉलरशिप के लिए तो सभी आपको बताएंगे, आप अप्लाई करोगे, लेकिन ये भी मस्त चीज़ है, ये मुझे पता नहीं था, ना ही किसी को कोई गाइड करता है। तो इसका बस मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप क्या किया करो, हमेशा अपनी मेल चेक किया करो। मेल चेक करने से आपको एक तो अपडेट रहते हो, और अपनी यूनिवर्सिटी में अगर आपको फिर भी कुछ नहीं पता चलता ना, अगर आपको फिर भी पूछना है, तो मैंने भी कंफर्म किया था, आप क्या करो, स्टूडेंट हब में जाके सब कुछ कंफर्म कर सकते हो। तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिंग थी, लेकिन थी छोटी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, सभी अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हब पे जाके वहाँ पे पूछो, और कॉस्ट ऑफ लिविंग के रिलेटेड पूछो। मेल आती तो वो चेक करो, फिल करो, आपको पैसे आएंगे। देखो मेरे आए हैं तो आपके भी आ सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर करो, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा। तो ये फ़ायदा है, तो प्लीज़ अगर आपको आई है मेल तो इसको फिल करो। इसका एक टाइम होता है, इसके टाइम से पहले पहले फिल करनी होती है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।